हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर रेगिस्तान के धोरों में अपने गांव में शाही अंदाज में पंडाल बनवाया। इन दिनों राजस्थान के बाड़मेर जिले की थार नगरी में शाही शादी एनआरआई की बेटी की शादी खासा चर्चों में है। एनआरआई ने अपनी बेटी की शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रेगिस्तान के धोरों में अपने गांव में खास शाही अंदाज में पंडाल बनवाया है, जिसके चलते यह शादी चर्चाओं में है। शुक्रवार को जब एनआरआई के घर बारात पहुंची तो शाही अंदाज में बारात का स्वागत किया गया। बाड़मेर जिले के एनआरआई ने अपनी बेटी की शादी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर शाही अंदाज में पंडाल बनाया है, जिसके बाद यह शादी चर्चाओं में है। जब एनआरआई नवल किशोर गोदारा के घर बारात पहुंची, बारात का स्वागत भी शाही अंदाज में किया गया। दरअसल जिले बियांड के भुदातला गांव मूल एनआरआई नवल किशोर गोदारा की बेटी रितु की शादी आज पाली के पूर्व सांसद बद्री जाखड़ के पोते राम प्रकाश के साथ होने वाली है। इससे पहले आज गाड़ियों के काफिले के साथ जब बारात एनआरआई नवल किशोर गोदारा के घर पहुंची तो बारात का यहां पर शाही अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ शादी को लेकर तमाम तरह की रस्में अदायगी चल रही है। शुभ लग्न में दुल्हा दुल्हन फेरे लेंगे। टेंट सिटी में बारातियों के ठहराव किए गए हैं। एनआरआई नवल किशोर गोदारा की बेटी की शादी को लेकर देश विदेश तक के मेहमान शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है करीब 10 से 15 हजार मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं समेत कई बड़ी हस्तियां शादी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 200 से अधिक निजी तौर पर बाउंसर तैनात किए गए हैं। गौरतलब यह है कि एनआरआई नवल किशोर गोदारा ने अपनी बेटी रितु की शादी को लेकर कुछ समय तैयारियों में जुट गए थे। वहीं बीते 2 महीनों से शादी के लिए गांव में रिसोर्ट और फोटो का सेट तैयार करवाया जा रहा था। बेटी की शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में एक ही खास टेंट डिजाइन पंडाल को पुराने फोटो और रिसोर्ट के रूप में तैयार करवाया गया, जहां सैकड़ों टेंट लगाकर एक सिटी बसाने के साथ ही पेड़ पौधे, हेलीपैड और सड़क बनाकर पंडाल बनाए गए हैं, जिसे स्कॉटलैंड के फोटो का लुक दिया गया है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।